रुद्रप्रयाग में रतौली के पास एक टेम्पो ट्रैवलर हाईवे से खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसमें 23 लोग, 3 ड्राइवर सवार थे। जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, फायर सर्विस, जिला आपदा प्रबंधन, जल पुलिस, स्थानीय लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा, अशोक भादड़े सहित कई विभाग मौके पर मौजूद हैं। अब तक 18 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा जा चुका है और सीरियस मरीजों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इसमें 26 यात्री सवार थे। घायलों को हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर ले जाया गया। गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग पहुंच गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग शहर से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर रतौली के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। वाहन में 2 दर्जन से अधिक यात्रियों के होने की आशंका जताई जा रही है। शासन प्रशासन के स्तर पर सभी यात्रियों की संख्या को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना पर पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, SDRF समेत अन्य टीम मौके पर रेस्क्यू कार्य कर रही है। हादसे की खबर पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन व SDRF की टीमें लगातार राहत व बचाव कार्यों में जुटी हैं। घायलों को नजदीकी चिकित्सालय केंद्र पर उपचार के लिए भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान व शोक संतप्त परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ। ये जैसे हमें 11:25 पर सूचना मिली थी कि जवाड़ी बाईपास के पेट्रोल पंप के नज़दीक यहाँ पर एक टेम्पो ट्रेवल्स नीचे गिर गया है। तो यहाँ पर जबकि सड़क की स्थिति भी बढ़िया थी और क्रैश बैरियर भी थे, तो क्रैश बैरियर को क्रॉस करके नीचे कम से कम 250 से 300 मीटर नीचे नदी में गया था, जिसमें कि बताया जा रहा था कि इसमें 26 लोग हैं, जिसमें कि 3 ड्राइवर थे और 23 जो यात्री थे। तो जैसे ही ये गिरा तो सूचना मिलते ही SDR हमारे जो रेस्क्यू टीम है, SDRF, BDRF और पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर यहाँ पे पहुँच गई थी। पहुँचने के उपरांत सर्च और अभियान जारी रहा। सर्च अभियान के तहत 18 लोगों का भी रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसको कि DH में भेज दिया गया है। और उसके बाद अभी हेली एम्बुलेंस मंगाया है, तो उसके द्वारा भी उनको हायर सेंटर भेज दिया जाएगा। अभी डेथ की कोई पुष्टि नहीं हुई है, अभी सर्च अभियान जारी है और जैसे ही सबका सर्च अभियान जारी हो जाएगा और उसके बाद ही पता लगेगा कि इसमें कितने डेथ हैं और कितने कुछ लोग काफ़ी सीरियस हैं जिनको कि अभी हायर सेंटर भेजा जा रहा है। जो है नदी में गिरा है, इसमें लगभग 23 व्यक्ति जो है वो उन्हीं की सूचना हमें प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस उसके साथ साथ SDRF, DDRF, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमिजिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। इनकी तबीयत सीरियस है, क्योंकि हॉस्पिटल में इनके उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी मृतकों की कोई पुष्टि नहीं है।